नमस्कार दोस्तों, ऐसे ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल क्या हो सकता है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो डाउ जोन्स 64 पॉइंट माइनस में है और एसजीएक्स निफ्टी -23 पे है, अभी ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर निफ्टी में देखते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी में फ्रेंड्स आप वन डे की कैंडल में चेक करोगे तो यहाँ पर एक उसने 16,700 टॉप की साइड पे और बॉटम की साइड पे डाउन की साइड में 16,400, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है निफ्टी 50 में। ओके, अगर उसको बड़ा मूवमेंट देना है तो 16,700 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये बड़ा मूवमेंट दे सकती है निफ्टी। तो ये देखते हैं 50 मिनट में कल क्या हो सकता है निफ्टी में। फ्रेंड्स, 50 मिनट में आप चेक करोगे तो उसका ओपनिंग हुआ था फ्रेंड्स, आज 50 मिनट का उसका ओपनिंग हुआ था 16,500 के करीब ओपनिंग हुआ और आज का हाई मारा तकरीबन उसने आज का हाई मारा है 16,650 के करीब उसने हाई मारा है। बैंक निफ्टी की कंपेरिजन में निफ्टी आज ज़्यादा बुलिश था, तो बैंक निफ्टी की जगह अगर निफ्टी में किसी ने ट्रेड किया होगा तो उसको अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो आइए देखते हैं कल निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से लेवल मार्क किए हुए हैं, अगर तुम और हमारा लिए फ्लैट जोन रहेगा 16,590 से लेकर 16,650 के करीब। अगर मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होने के बाद, इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर निफ्टी अपसाइड में 16,650 ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16,690 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 16,750। और डाउन की साइड में अगर यहाँ पे ब्रेक ओपन होने के बाद ब्रेक होता है ये लेवल 16,590 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 16,550 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 16,500। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डाउन की साइड में 16,440 आएगा और उसको भी ब्रेक करेगा तो ये जो भी गैप फिल करने के लिए बाकी रहेगा या उसको फिल करने के लिए नीचे आ सकती है आने वाले दिनों के लिए, जिसका टारगेट रहेगा 16,370। ओके फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 35,600 पे उसका क्लोजिंग हुआ है। तो उसने आज क्या किया फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम एक बार। उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे 9:15 का उसका ओपनिंग हुआ है 35,522 पे उसका ओपनिंग हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और उसका हाई मारा है आज उसने फ्रेंड्स 35,675 के करीब उसका हाई है और लो है उसका आज 35,385 के करीब उसका लो है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे 15 मिनट की चार्ट में तो उसने कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी मोमेंटम देती अपसाइड में तो निफ्टी और भी ऊपर जा सकती थी, आज का सीनरी ऐसा था। तो आइए देखते हैं वन डे के कैंडल में क्या सीनरी बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये भी एक रेंज में फंस गया है 3 दिन से फ्रेंड्स, जब तक ये इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगी तब तक इसमें भी बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर डाउन के साइड में 35,290 है और टॉप में रहेगा फ्रेंड्स 35,700 से लेके 800 तक, ये लेवल में जब तक रहेगी तब तक बड़ा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तभी इसमें ज़्यादा मूवमेंट आने की संभावना है। तो ये देखते हैं 50 मिनट के चार्ट में कल हम क्या कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने पहले से लेवल मार्क किया हुआ है, अगर तुम और बैंक निफ्टी 35,670 से लेके 35,476 के बीच में ओपन होती है यानी इस जोन में ओपन होती है और बाद में ये अपसाइड को ब्रेक करती है 35,670 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 35,760, दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में 35,840, तीसरा टारगेट आ सकता है 35,950 और फोर्थ टारगेट आ सकता है 36,070। और अगर यहाँ पे ऊपर होने के बाद ये डाउन साइड में ब्रेक होती है ये लेवल 35,470 के नीचे तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 35,344, दूसरा टारगेट आ सकता है 35,280 और तीसरा टारगेट आ सकता है डाउन के साइड में 35,220। बस ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी को न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जय हिंद।